नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 12 वर्सेस Oppo A18 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 12 में 6.64 इंच जबकि A18 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 12 से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 12 में 3 इंच जबकि A18 में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 12 से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 12 में 198.5 ग्राम जबकि A18 में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 12 में 6.79 इंचेस जबकि A18 में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi 12 में 1080x2460 और A18 में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 12 में 85.35% जबकि A18 में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 12 में 396 पिक्सल प्रति इंच जबकि A18 में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 12 में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा <BR> <BR> 8 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा <BR> 2 MP 2.4 कैरेट मैक्रो कैमरा <BR> देखने को मिलता है। और A18 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 12 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A18 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi 12 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि दो डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A18 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 12 में MediaTek Helio G88 और A18 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 12 में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A18 में दो विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 12 में 3 कलर्स जबकि A18 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 12 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,290 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A18 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 12 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A58 4G है, दूसरा Realme Narzo 60X 5G है, तीसरा Samsung Galaxy F34 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A05 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।